हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक नए फ्रॉड के बारे में आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ। ये फ्रॉड कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है, कौन आपके साथ ये फ्रॉड कर सकता है, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वही इन्फॉर्मेशन आप आपके दोस्त के साथ भी शेयर जरूर करना ताकि उसके साथ भी ये फ्रॉड ना हो और उसके पैसे भी बर्बाद ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल और आप देख रहे हैं राहुल बामले यूट्यूब चैनल। तो ये शुरू करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये फ्रॉड मेरे साथ भी हुआ था। मेरे साथ ये पहले भी दो बार हो चुका था, अब और तीसरी बार जब ये फ्रॉड हुआ, और अभी तीसरी बार जब ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ तभी मैंने सोच लिया कि इसके ऊपर भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाने से आप लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी और जब फ्यूचर में अगर आपको कुछ ऐसा मैसेज आएगा तो आप इस फ्रॉड से बच पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ क्या हुआ था वो मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, मेरे साथ क्या हुआ था प्रूफ के साथ बताऊंगा, कुछ भी हवा में बातें नहीं करूंगा। और मैं जानता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे सारे लोगों को नहीं, लेकिन चार पांच लोगों को ऐसा कॉल या मैसेज आता होगा और उनके साथ भी ये फ्रॉड हो चुका होगा। तो फ्रेंड, फेसबुक के अंदर मेरे बहुत सारे 4000 के ऊपर, शायद 4000 मेरा फ्रेंड है फेसबुक के अंदर। तो वहां पर एक लड़की ने मुझे मैसेज किया, वहां पर बोले कि मुझे आपका नंबर चाहिए। मुझे पता था कि वो फेक अकाउंट है, क्योंकि उस अकाउंट का नाम ही अनुष्का शर्मा था। आप जैसे मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, अनुष्का शर्मा नाम था फेसबुक के अंदर और डीपी भी अलग था। फिर भी मैंने उसको नंबर दिया क्योंकि मैं मेरा नंबर सारे लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो यूट्यूब के साथ आते हैं, यूट्यूब से कांटेक्ट करते हैं, फेसबुक पर वहाँ पर बातचीत करते हैं, तो उनको मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर करता हूँ। तो उसको मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर किया। मुझे पता था कि फेक अकाउंट है, लड़के का अकाउंट है, फिर भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया और बोली कि मैं लड़की बात कर रही हूँ, आप अकेले हो क्या? मैं बोला अकेला हूँ। उसके बाद उसने कहा कि आप जाओ बाथरूम में जाओ, ये करो वो करो। तो मुझे पता था कि ये फ्रॉड क्या होने वाला था, क्योंकि दो बार फ्रॉड हो चुका था और मुझे सब जानकारी थी इसके बारे में। तो उसको मैंने ऐसे बोला कि हाँ मैं गया और फिर बोलो। तो उसने मुझे वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल के अंदर उसने जो मालूम नहीं वो लोग क्या करते, उनका जो मोबाइल का कैमरा रहता है उसके बाजू में लैपटॉप है और मोबाइल चालू करते और उसके अंदर गंदा सा वीडियो प्ले करते, लड़की का गंदा सा पॉर्न टाइप वीडियो, आप सभी को पता होगा, वो प्ले करते। और हमें लगता है कि ये सचमुच में वही लड़की है जो हमसे बात करती थी वीडियो कॉल पर, लेकिन वो लड़की नहीं रहती, वो अलग ही वीडियो प्ले करते। फिर आपको बाद में मैसेज के जरिए बोलते कि आप आपके कपड़े निकालो, तो आप भी वैसा करते हो। उसके बाद क्या होता है, वो लोग मोबाइल का जो स्क्रीन रिकॉर्ड है वो चालू करके रखते हैं उनके मोबाइल के अंदर, A to Z स्क्रीन रिकॉर्डर, बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर चालू करके रखते हैं, फिर जो भी आपका रहेगा वीडियो वो रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद वो जो भी लड़का लड़की है लड़का है वो उसका वीडियो कट करता है और आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करता है और बोलते हैं कि मुझे 500 रुपीज दो, 1000 रुपीज दो। आप बोलते कि मैं नहीं दूंगा, तो बोलते कि आपका वीडियो वायरल कर दूंगा। फिर आप बोलो कि कहाँ पर हुआ वीडियो में दिखाओ मेरा, तो उन्होंने जो रिकॉर्ड वीडियो किया है वो आप लोगों को भेज देंगे वीडियो। फिर आप लोग भी टेंशन में आते हैं कि फेसबुक और यूट्यूब के अंदर अगर वायरल हो गए तो, इसलिए आप भी टेंशन में आकर पैसा दे देते हैं। ये सब मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था फ्रेंड्स। तो मुझे पता था कि फ्रॉड के अंदर, तो मैंने उसका नंबर लिया, उस लड़के का, लड़की नहीं रहती लड़का रहता है, उसका मैंने नंबर दिया और उसको गाली दिया, फिर उसने ब्लॉक ही कर दिया। तो फ्रेंड, मुझे लड़की बोली कि मुझे इतना पैसा दो वायरल कर दूंगी, मुझे पता था कि ये सब फ्रॉड है। मैंने बोला कर दो वायरल, तो वो बोले कि सच में मैं कर दूंगी, मेरे पापा कलेक्टर है। तो मैं भी बोला कि मेरे भी पापा महाराष्ट्र के CM है, मुख्यमंत्री है। तो शांत बैठ गए, कुछ ना बोली और मुझे ब्लॉक कर दिया। तो आप बाकी में स्क्रीनशॉट सारे देख सकते हैं, इसके पहले भी ऐसे फ्रॉड हुआ था, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो आप में से काफी लोगों को इंटरनेट के बारे में पता नहीं होगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, उसी के जाले में आकर आप उसको पैसा ट्रांसफर कर दोगे फोन पे, गूगल पे के जरिए, पेटीएम के जरिए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ये फ्रॉड करते हैं। जो लोग मतलब इतना नॉलेज नहीं रहता वो लोग तो पैसा उनको पे कर देते हैं, लेकिन जो वो बंदे मतलब कि उनको पता है कि ऐसा फ्रॉड है वो लोग उनको गाली देते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो चुका होगा तो उनसे डरिए मत, उनसे उनके पास कोई भी प्रूफ भी नहीं रहता और वो लोग वीडियो वायरल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो वीडियो है उन लोगों उस लड़की का वो दिखाते वीडियो के अंदर, वो लड़की है ही नहीं असल में, कोई तो हीरोइन रहेगी, पॉर्न स्टार होगी, कुछ भी होगी, वो उसका फोटो नहीं होता। तो आप टेंशन मत लो, उनको बिंदास बोलो कि आपको जहां पर डालना है वीडियो को वहां पर डालो, तो कहीं पर भी वीडियो नहीं डालते, सिर्फ आपसे पैसा ले लेते। तो आप उनको गाली दो, बोलो कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, कुछ भी आप उनको बोल सकते हैं। तो इसे डरने की कोई बात नहीं फ्रेंड्स, पैसा मत दो। ये ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ भी हो चुका होगा,
अगर आपने पैसा दिया होगा तो ठीक है, तभी आपको इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन आप लोगों को भी पता होगा कि ये सब ऐसा फ्रॉड होता है, तो आप प्लीज किसी को भी पैसा मत देना। चलो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, जो रेड आइकॉन है लाल बटन है सब्सक्राइब का वो जरूर दबाना, और जो बेल का आइकॉन है वो भी दबाना, ताकि जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा, कोई भी आपको वीडियो के बारे में कमेंट होगा, तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट का तुरंत ही पढ़ने की कोशिश करूंगा। लास्ट तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।